अपने बालों को स्वस्थ रखने के लिए तमाम उपाय करते हैं। खासकर गर्मियों के मौसम में बाल रूखे और बेजान नजर आते हैं। ऐसे में बालों को मॉइस्चराइज रखने के लिए आप हेयर सीरम का इस्तेमाल करती हैं। सीरम बालों के धूप की वजह से होने वाले नुकसान से बचाता है। बालों में सीरम लगाने से आपके बाल चमकदार और हेल्दी दिखते हैं। महिलाओं को उनके हेयर टाइप के हिसाब से सीरम चुनना चाहिए। हेयर सीरम आपके बालों को चमकदार बनाने के साथ साथ ड्राइनेस और फ्रिजीनेस को भी कम करता है। हेयर सीरम सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट होता है जो बालों को हानिकारक केमिकल और पदार्थ से बचाता है। अगर आपके सूखे और फ्रिजी हेयर है तो बालों में कैस्टर रोजवुड जैसे ऑयल का मिश्रण अच्छा होता है। आइए जानते हैं हेयर टाइप के हिसाब से कौन सा सीरम चुनना चाहिए। सूखे बालों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा सूखे बालों को अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। अच्छी बात यह है कि आजकल ऐसे सीरम मौजूद है जिसे आप रात में बालों में लगाकर आराम से सो सकते हैं। इसके लिए आप ऑयल बेस्ड सीरम की जगह क्रीम बेस्ड सीरम लगा सकते हैं। ये बालों को मॉइस्चराइज रखने में काफ़ी मदद करता है। कर्ली बालों के लिए घुंघराले बाल बहुत ज़्यादा उलझते हैं, ऐसे में उनका ख्याल रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। घुंघराले बालों के लिए सबसे अच्छे सीरम है जिसमें मॉइस्चराइजेशन के गुण अधिक होते हैं। बालों को चमकदार रखने के लिए ड्राई हाइड्रेटिंग तेल जैसे जोजोबा आर्गन और बादाम के तेल के गुणों वाला सीरम लगाएं। कलर वाले बालों के लिए जिन लोगों ने बालों में कलर कराया है उन्हें हल्के क्रीम वाला सीरम लगाना चाहिए जिसमें सिलिकॉन के अलावा जोजोबा आर्गन नारियल तेल के साथ ग्रीन टी के तत्व मौजूद हो। इस तरह का सीरम कलर्ड बालों पर पूरी तरह काम करेगा। दो मुहे बालों के लिए जिन लोगों के दो मुहे बाल यानी स्प्लिट एंड्स की समस्या रहती है उन्हें बाल जरूरत से ज़्यादा टूटते हैं। अगर आपके बाल में बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स की है तो हेयर सीरम लगाने से आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे आप जो भी सीरम चुनें उसमें केराटिन की अधिक मात्रा होनी चाहिए। केराटिन स्प्लिट एंड्स की समस्या को दूर करने का काम करता है।